हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फंक्शंस इन पीएचपी के बारे में बताया था, फंक्शंस क्यों यूज करने हैं और फंक्शन का क्या सिंटैक्स है वो बताया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। ओके, तो जो सबसे पहला है वो है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। मतलब ये जो फंक्शन का जो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो। और ये पैरामीटर्स क्या है? ये पैरामीटर्स वो वैल्यूज हैं जिन पे ये फंक्शन काम करने वाला है। ओके, तो जो पहला है हमारा वो है टेक्स नथिंग। मतलब आप इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी पास नहीं कर रहे हो। और ये पास करना कहाँ से होगा? ये पास करना जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तब आप पास करोगे यहाँ से। ओके, और रिटर्न्स नथिंग मतलब यहाँ पे आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि आप फंक्शन के साथ यूज कर सकते हो, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। मतलब हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये जो पहला एग्जांपल है जहाँ पे मैंने एक फंक्शन हेलो बनाया है, फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, फिर आपको फंक्शन का नाम देना पड़ता है और फिर ब्रैकेट्स देना पड़ते हैं, और फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लिख करके जो भी फंक्शन के अंदर काम करना है आप दे सकते हो, और फिर फंक्शन के आउटपुट को दिखाने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना रहता है। राइट, तो यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हो गया और आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया है। लेकिन अब जो दूसरा है आपका सिंटैक्स वो है टेक्स नथिंग बट रिटर्न्स समथिंग। तो ये कैसे होगा? मतलब हमें यहाँ पे कुछ पास नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे तो वो ले दे सकता है, राइट? लेकिन ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने के लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, और फिर मैं रिटर्न कर देता हूँ 10। ओके, और फिर जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखिएगा कुछ चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है हम लोग उसके साथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसमें मैं एक्स ले लेता हूँ, और उसके अंदर आपको जो भी ये रिटर्न कर रहा है उसको स्टोर करना पड़ेगा। मतलब जो ये हेलो कॉल होगा तो ये सबका सब काम हो जाएगा और बाद में ये रिटर्न करेगा 10। मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसकी जगह पे 10 आ जाएगा। मतलब हमारे एक्स के अंदर 10 आ जा रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं एको डॉलर एक्स करता हूँ, और फिर आप देखिएगा यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं br टैग लगा देता हूँ हर एक के बीच। ओके, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में। और फिर जब मैं रन करूँगा तो आप देखिएगा हमारे पास 10 प्रिंट हो गया। और ये 10 कहाँ से आया है? ये 10 आया है हमारे मेन प्रोग्राम से, ना कि फंक्शन से। क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो जब भी कोई कुछ रिटर्न करता है, मतलब मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, तो जब भी मैं आपको कुछ दूंगा तो आपको उसे लेना भी तो पड़ेगा। तो आपको लेना है तो आपको एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, और फिर उस वेरिएबल को आप जो भी करना है आप कर सकते हो। तो ये था हमारा टेक्स नथिंग बट रिटर्न्स समथिंग। अब जो तीसरा है हमारा वो है टेक्स समथिंग बट रिटर्न्स नथिंग। तो टेक्स समथिंग मतलब इस बार ये वो कुछ ले रहा है, तो जब भी वो कुछ ले रहा है तो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ विवेक। ओके, और फिर मैं इसके अंदर के हर एक चीज को उड़ा देता हूँ। ओके, और फिर जब यहाँ पे आप विवेक पास कर रहे हो तो यहाँ पे उसे कुछ लेना भी पड़ेगा, तो वो इस पर वेरिएबल के तौर पे लेगा। ओके, जैसे वेरिएबल के तौर पे वो रिटर्न करता है, यहाँ पे वो वेरिएबल के तौर पे लेगा। मतलब डॉलर एक्स के अंदर वो वैल्यू जाएगा जो आप पास कर रहे हो। तो अभी विवेक जाएगा, तो आप चाहो तो आप एको करवा सकते हो डॉलर एक्स को। ओके, तो आप एको कर दो डॉलर एक्स, तो आप देखिएगा आपका एको हो जाएगा विवेक। आप देख सकते हो विवेक आपका एको हो गया। तो ये था हमारा टेक्स समथिंग पर रिटर्न्स नथिंग। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया है, राइट? अब जो चौथा है हमारा वो है टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। और ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भी सिंटैक्स है आपको यूज करने पड़ेंगे जब आप एक अच्छा सा पीएचपी का एप्लीकेशन बनाइएगा, जब आप एक अच्छा सा पीएचपी का वेबसाइट बनाइएगा। ओके, तो अब आपको रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ डॉलर एक्स। ओके, और मैं इसे कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ मेरा जो सरनेम है रॉय उसके साथ। ओके, और फिर मैं क्या करता हूँ, अब ये रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? जो भी डॉलर एक्स में पास हुआ है और उसको कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है रॉय के साथ। ये जो डॉट है ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, राइट? ये जो डॉट है ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। मतलब ये डॉलर एक्स को लेगा, उसको रॉय के साथ जोड़ देगा और फिर रिटर्न कर देगा। तो सिंस ये रिटर्न कर रहा है तो हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम, और फिर मैं एको कर देता हूँ एको
सबसे पहले तो मैं br टैग लगा देता हूँ, ओके ओके सॉरी, मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ डॉलर नेम, ओके, और डॉलर एक्स के बाद मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ नेम, ताकि ये दोनों के दोनों न्यू लाइन पे आ जाए, ओके और चलिए जब मैं रन करूँगा इसे तो सबसे पहले विवेक प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन के अंदर विवेक को प्रिंट करवाया है, और फिर प्रिंट होगा हमारा पूरा नाम विवेक रॉय, तो आप देख सकते हो विवेक, और फिर हमारा प्रिंट हुआ है विवेक रॉय। तो ये चार डिफरेंट सिंटैक्स थे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे अच्छा लगेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ़।